हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैं शुरू हो चुकी हूँ, जो कि कुछ कपड़े थे और मेरा डबल बेड की चादर थी, यही कुछ कपड़े थे, वही मैं धो रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को टाइम बताऊँ तो टाइम बज रहे हैं दोस्तों, 11 11 बजे का टाइम है। और ये सब कभी कभी हो जाता है ना, मतलब सुबह ही सब नहाना धोना तो पूरा ही, जैसे झाड़ू पोछा तो सब हो ही गया सुबह ही, तो अचानक से मुझे ना ऐसे कपड़े रखे हुए थे, मेरे धोना भूल गई। मैं सोची चलो मैं इनको मैं धो ले रही हूँ। और फिर दोस्तों, यहाँ गर्मियों में ना दो से तीन बार तो नहाना हो ही जाता है। दोपहर को भी कभी कभी नहा लेती हूँ, क्योंकि मतलब बच्चों को नहलाओ और कपड़े वगैरह साफ़ करो, या कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो मतलब ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जैसे कि आज अभी मेरे को फिर से नहाना पड़ेगा, दोबारा नहा लूँगी, कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है और अच्छा भी लगता है। और क्योंकि नहा लो ना, फिर जैसे 2 बजे के बाद में सो जाओ आराम से, अच्छा सोने में भी अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा लगता है और अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ना मैं अपने पैरों से थोड़ा मतलब साफ कर लेती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि इससे ये होता है दोस्तों, दबाव मिलता है ना, दबाव मिलता है, तो इससे ना गंदगी जितनी भी होती है सारी बाहर उबर के आ जाती है। देखो मैंने हाथों से कर रही हूँ ना, कुछ भी नज़र आ रहा है? जब भी मैं पैर डाले दो, कितना सारा जैसे लग रहा, पानी भी बहुत सारा है और बहुत सारा ये मतलब इसमें सारा भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। और हाथ डालने से कुछ भी नहीं, क्योंकि दबाव पड़ता है तो सफाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। तो बस मैंने थोड़ी सी कर ली हूँ। और दोस्तों ना, हाथों से पटक पटक के धो तो कितना हाथ भी दर्द होने लगते हैं, हाथ दर्द होने लगते हैं पूरा, तो मतलब अजीब मतलब कैसा पता नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं मतलब इसी तरह से धोना सही ठीक समझती हूँ। और मैं कुछ ऐसे ही चला लेती हूँ, वो भी जैसे कपड़े होते हैं ना, जैसे उन पे ऐसे ही थोड़ा सा, और बहुत से ना क्या करते हैं ना, थापी मार मार के धोते हैं, जैसे थापी से पट पट, तो उससे ये होता है दोस्तों, कपड़ा फटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, कपड़ा फटने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, थापी वगैरह से कपड़ा मैं नहीं धोती हूँ, और क्योंकि चादर वगैरह फटने का चांस होता है। हाँ, मोटा कपड़ा जो अगर है, जैसे कम्बल हो गया, भारी भरकम चीज़ जो हो गई है ना, उसको धो सकते हैं, धीरे धीरे से थपके मार के मतलब धो सकते हैं। पर हल्के कपड़े पे मारोगे ना तो कपड़ा फटने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इससे अच्छा मैं यही कर लेती हूँ। और हाथों से धोते धोते दोस्तों ना, मेरे हाथ ही पूरा मतलब दर्द हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो कैसी मैं मतलब वो हो रही हूँ, और थक बहुत जल्दी जाती हूँ, काम करते ही करते बहुत जल्दी थकती हूँ, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो स्पीड पकड़ लेती हूँ सबसे जल्दी, मतलब जल्दी 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 जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही जल्दी अच्छा है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो मेरे को बहुत अजीब टाइप का लगता है, आए दिया कितना टाइम लग गया इतना काम करने में, तो ऐसा कुछ लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं फटाफट धो ले रही हूँ कपड़ा, और अभी मिलती हूँ थोड़ी ही देर बाद।
तो दोस्तों इधर धुल चुकी है मेरी डबल बेड चादर और मैं फटाफट डाल रही हूँ। आप देख सकते हो जल्दी जल्दी डाल रही हूँ। और दोस्तों 11 बजे का टाइम है, धूप इतनी तेज़ है, कुछ कहने के लिए नहीं, क्योंकि आजकल गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है। दोस्तों प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, और आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल वगैरह जाते हैं उनका काफ़ी ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा जितने बच्चे मतलब जा रहे हैं आप लोगों के, आपके बच्चे जा रहे हैं, उनको अपना घर से अच्छा बोतल भर के दो और ठंडा बोतल भर के दो, और ऐसा कुछ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अपना भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप बाहर जाते हो तो हमेशा पानी की बोतल साथ में ज़रूर रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा। और पानी की बोतल हमेशा ज़रूर रखना, अपना सर ढक के रखना, जो कि गमछा ले लो, और लेडीज़ है वो चुन्नी से अपना सर ढक के बाहर निकलें। इतनी गर्मी हो रही है, कुछ कहने के लिए नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इधर मेरे अर्चित भूखाने थे ना, ये भूख मांग रहे थे बार बार खाने के लिए, तो इनको मैं इधर खाने के लिए देती हूँ और ये बैठ के खाएंगे। और बिछा दे रही हूँ दोस्तों, इसको बिछा दूंगी ना तो ये गिराते हैं ना, कुछ कुछ गिरा देंगे, तो मैं इसको बिछा दूंगी, इसके ऊपर अगर गिराएंगे तो इसको बस इसको उठा के बाहर झाड़ दूंगी, तो मेरा बिस्तरा भी गंदा नहीं होगा और मेरा काम भी बढ़ेगा नहीं, है ना? आइडिया सही है ना? तो दोस्तों ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा अगर ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो। तो दोस्तों यहाँ मैं कर रही हूँ नहाने जाने के लिए तैयारी, बहुत ही प्यास लगी हुई थी तो मैं धूप से आई हूँ, तुरंत नहीं पी हूँ, कम से कम 5 मिनट तो यहाँ पे हो गए थे तभी मैं पानी पी रही हूँ दोस्तों। तो धूप से आने से बोलते हैं ना तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ फर्स्ट बार आप आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक चैनल मेरा और है जो कि है रियल मोम ब्लॉग, तो भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और तो इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ दोस्तों, तो वही फटाफट जा रही हूँ ही, जो नहा के आई हूँ ना वो कपड़े डाल के आ रही हूँ फटाफट। तो आप सोचोगे इतनी जल्दी नहा लिया, क्योंकि बहुत से दोस्त बोलने लगते हैं ना बहुत, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो दोस्तों मैं तो कट कट के वीडियो बनाई हूँ, एडिट की हूँ, तो दोस्तों मैं तो इधर गई हूँ फटाफट, कुंडी खोल के आ गई हूँ, जो कि हस्बैंड आएंगे ना।